हाय क्लास, स्वागत है सभी का आज की बहुत ही धमाकेदार सेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे आज हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में क्या पढ़ा था कि रूट्स कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी। अभी इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि नेचर क्या होता है हम रूट्स का। रूट्स निकालेंगे नहीं, हम नेचर देखना है रूट्स का कि रूट्स का नेचर क्या है। नेचर मतलब क्या वो रियल है, क्या वो इमेजिनरी है, क्या वो रियल नहीं है, तो क्या है, तो यही हमें नेचर देखना है। वो कैसे पता लगाएंगे हम इक्वेशन को देखते ही कि ये इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, वही आपको बताने वाला हूं अच्छे से, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी वैल्यू भी लास्ट क्लास में बताई थी मैंने कि हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना आपको क्लियर है लास्ट क्लास से? अब देखिए मैंने क्या बताया था, d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया था लास्ट क्लास में। इसी से हमें बस इसी चीज से हम पता लगा लेंगे कि रूट का नेचर क्या होगा, ठीक है। अभी देखिए तीन कंडीशन बनती है सिर्फ इसमें, ठीक है। सबसे पहला केस क्या बनता है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी होती है, ठीक है, तब हमारे जो रूट आएंगे ना वो टू डिस्टिनक्ट रियल रूट, यानी कि अलग अलग होंगे वैल्यूज और रियल होंगे दोनों, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। सेकंड केस हमारा बनता है अगर d बराबर 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तब हमारे क्या होंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे हमें, इक्वल रूट्स मिलेंगे हमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट फाइनल केस है हमारे पास अगर d 0 से छोटा आ गया, d 0 से छोटा मतलब माइनस में आ गया, तब सीधी सी बात है कि वो इमेजनरी होगा, क्योंकि अंडर रूट में माइनस में कोई भी वैल्यू होती है तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, इमेजनरी पार्ट में चला जाता है, तब हमारे नो रियल रूट्स मिलेंगे, नो रियल रूट्स। तो यही थी हमारी बिल्कुल आसानी से इस इक्वेशन को देखते ही, जो भी हमें इक्वेशन दी गई होगी उसको देखते ही हम पता लगा सकते हैं इस कंडीशंस का कि रियल रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे, कौन से रूट होंगे। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो देखिए ये आपके सामने इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, उससे आप पता लगाइए कि इसका नेचर क्या है, इक्वल है, अनइक्वल है, या फिर नो रियल नहीं है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है, जरूर ट्राई करना है। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी कुछ नया सीख सके और इंटरेस्टिंग सीख सके मैथ्स में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।